हेलो स्टूडेंट्स बेटा, लास्ट वीडियो में हमने आपकी एक्सरसाइज 6.2 के दो क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था, ठीक है। तो अब हम आपके थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं और हमें उनमें क्या बताना है, लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करते हैं। इसका ए पार्ट हमें क्या दिया गया है, देखो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इनके अंदर हमें लाइक टर्म्स को बताना है कि कौन सी लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। तो चलिए ए पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रेड लाइन कर देता हूँ, उसके बाद में बताऊंगा लाइक टर्म्स होती क्या है। हालांकि मैंने आपको बताया हुआ है कि लाइक टर्म्स होती क्या है, एक्स वाई स्क्वायर जेड, फोर वाई स्क्वायर एक्स जेड, माइनस एक्स वाई क्यूब जेड एंड द लास्ट वन इज माइनस फाइव एक्स वाई स्क्वायर जेड। हाँ जी, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं हम कि इनमें से कौन सी लाइक टर्म है और कौन सी नहीं है। हालांकि हमें सिर्फ यही बता रहे हैं कि कौन सी लाइक टर्म है। तो आपको मैंने ये बताया हुआ है कि लाइक टर्म्स कौन सी होती है बेटा, जिनके अंदर हमें क्या दिया हो, वेरिएबल्स बिल्कुल एक जैसे दिए हो। वेरिएबल्स बिल्कुल एक जैसे दिए हो, हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है कि कांस्टेंट क्या है क्या नहीं है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो मुझे ये बताइए कि कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स है, जैसे 4 है माइनस 5 है, तो इनके लिए हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वेरिएबल्स या जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड है ना, एक्स और वाई और जेड, ये क्या है, वेरिएबल्स है। तो चलिए, जिसमें वेरिएबल एक जैसे होते हैं वही हमारी क्या होती है, लाइक टर्म्स होती है। तो यहां ध्यान देंगे, देखिए यहां पे एक्स वाई स्क्वायर जेड, क्या कहीं एक्स वाई स्क्वायर जेड और दिख रहा है आपको, एक्स वाई स्क्वायर जेड ही होना चाहिए, एक्स वाई स्क्वायर जेड। तो ये बेटा क्या है, हमारी लाइक टर्म्स है, ये हमारी क्या है, लाइक टर्म्स है। तो ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स। देयरफॉर लाइक टर्म्स क्या हो जाएगी, एक्स वाई स्क्वायर जेड एंड दूसरी कौन सी है, माइनस फाइव एक्स वाई स्क्वायर जेड। तो ये हमारी क्या है, लाइक टर्म्स है। अब और कोई देखिए क्या एक्स वाई स्क्वायर जेड है, एक्स वाई स्क्वायर जेड, बिल्कुल ये देखिए, देखो एक लिखी हुई है एक्स वाई स्क्वायर जेड और एक लिखी हुई है फोर वाई स्क्वायर एक्स जेड। अब मेरी बात सुनिए कि यहां पे मैंने आपको पहले ये बता दिया कि कांस्टेंट से तो कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बात करनी होती है किसकी, वेरिएबल्स की। तो वाई स्क्वायर एक्स जेड और यहां एक्स वाई स्क्वायर जेड, एक्स कितनी बार है, वन टाइम, वन टाइम, जेड कितनी बार है, वन टाइम, वन टाइम, वाई कितने टाइम्स है, टू टाइम्स, तो ये नीचे टू टाइम्स। तो ये क्या हो गया, एक्स वाई स्क्वायर जेड, एक्स वाई स्क्वायर जेड। तो ये भी क्या है, लाइक टर्म्स है, ये तीन लाइक टर्म्स है, कौन सी, फोर वाई स्क्वायर एक्स जेड भी लाइक टर्म्स है। अब इनमें देख लीजिए, यहां माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस को एक बार छोड़ दीजिए, माइनस पर ध्यान मत दीजिए, एक्स जेड तो है, एक्स जेड तो है इसमें, लेकिन यहां वाई क्यूब है और यहां स्क्वायर है, स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, इट मीन्स ये लाइक टर्म नहीं है इन तीनों जैसे। तो तीन लाइक टर्म्स है, कौन सी, फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड द लास्ट वन। तो ये हमारे क्या है, लाइक टर्म्स, ठीक है। चलिए बी पार्ट के हम मूव करते हैं। बी पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, बी स्क्वायर ए एक्स कॉमा माइनस फाइव बी ए स्क्वायर एक्स, बी एक्स इधर है, ए स्क्वायर उधर है, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, माइनस सिक्स ए एक्स बी स्क्वायर फोर्थ टर्म हमें क्या दी हुई है, एट बी ए एक्स स्क्वायर, एट बी ए एक्स स्क्वायर, द लास्ट वन टर्म इज फोर एक्स ए बी स्क्वायर। तो अब हमें इनमें बताना है कि कौन सी लाइक टर्म्स है, कौन सी नहीं है। तो चेक कर लेते हैं, देखिए बी स्क्वायर ए एक्स, अब जहां भी आपको बी स्क्वायर दिख रहा है वो उठा लीजिए पहले,
बीस पर है यहाँ पे नहीं है, बीस पर है ये लगे बीस पर दिख रहा है, बीस पर ए एक्स होना चाहिए, ए भी एक बार होना चाहिए, एक्स भी एक बार होना चाहिए, तो ए एक बार है एक्स एक बार है और बी स्क्वायर है, तो डायरेक्शन हो गया कि ये और ये क्या है लाइक टर्म्स है। मैंने आपको फिर कहा क्या कहा कि वेरिएबल से लेना देना होगा कॉन्स्टेंट से नहीं, यहाँ माइनस सिक्स है इससे कोई लेना देना नहीं है, दिस इज अ कॉन्स्टेंट ठीक है, ये हमारे पास क्या है वेरिएबल से एक जैसे होना चाहिए, बी स्क्वायर ए एक्स देखिए बी स्क्वायर ए एक्स, तो ये हमारे लाइक टर्म्स है, मल्टीप्लाई में होनी है मल्टीप्लाई में रहनी चाहिए, और देखिए बी स्क्वायर है ये ना बी स्क्वायर ए एक्स है ए एक्स है सीधे सी बात, तो ये तीनों हमारे क्या है लाइक टर्म्स है। चलिए मैं लाइक टर्म्स यहाँ पे लिखता हूँ, लाइक टर्म्स बी स्क्वायर ए एक्स तो ये है, फिर माइनस सिक्स ए एक्स बी स्क्वायर है, फिर फोर एक्स ए बी स्क्वायर है, तो ये लाइक टर्म्स होगी। अब देखिए हम सेकंड और फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं, ये और ये तो हो गई है लाइक टर्म्स, बी एक्स ए स्क्वायर ठीक है, और यहां देखना बी एक्स ए स्क्वायर नहीं है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, इनमें कोई भी लाइक टर्म्स जैसे नहीं है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है हमारे ठीक है, तो बस ये ही हमारे लाइक टर्म्स है और यही हमारा क्या है आंसर ठीक है। मूविंग टू द सी पार्ट, टू एल एम स्क्वायर एल क्यूब, ये मैं आपको अब नोट कर लीजिए ऊपर ही लिखा ठीक है, नोट कर लीजिए, चलिए माइनस फोर एम क्यूब माइनस फोर एम क्यूब एन स्क्वायर सिक्स एन स्क्वायर एन एन स्क्वायर एन एम क्यूब माइनस एट एम क्यूब एम स्क्वायर, तो चलिए लाइक टर्म्स बता दिए हमने, तो कुछ भी नहीं है, सबसे पहले इसको देखिए एल एम स्क्वायर एन क्यूब होना चाहिए, एल एम स्क्वायर और नहीं भाई यहां पे तो एम क्यूब आ गया, तो ये वाली इसके साथ नहीं है, एल एम स्क्वायर एन क्यूब होना चाहिए, तो एल यहां पे देखो एल और यहां एल स्क्वायर है, तो ये भी नहीं है, फिर एल एल है, एम स्क्वायर भी है, एन क्यूब भी है, तो फर्स्ट और लास्ट हमारे क्या है लाइक टर्म्स, बस तो ये टू एल एम स्क्वायर एन क्यूब कोमा माइनस एट एल क्यूब एम स्क्वायर एल, दिस इज योर फाइनल आंसर ठीक है। ओके मूविंग टू द फोर्थ, आई मीन टू से डी पार्ट, व्हाट इज गिवन टू अस इन डी पार्ट, एक्स वाई जेड स्क्वायर कॉमा माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड जेड फाइव एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड एंड द लास्ट वन इज माइनस फोर एक्स वाई जेड स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई जेड स्क्वायर, तो चलिए इसमें बताते हैं कि अब हमारे पास लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं, तो कुछ नहीं बस फर्स्ट वाले टॉपिक कर लीजिए, एक्स वाई जेड स्क्वायर है, तो एक्स वाई जेड स्क्वायर कहीं और देख लीजिए, यहाँ एक्स है यहाँ एक्स स्क्वायर है तो ये एक जैसे नहीं है, एक्स है यहाँ भी एक्स स्क्वायर है तो ये एक जैसे नहीं है, यहाँ एक्स है यहाँ एक्स है यहाँ वाई है यहाँ भी वाई है यहाँ जेड स्क्वायर है यहाँ भी जेड स्क्वायर है, दैट मींस फर्स्ट एंड लास्ट इज द लाइक टर्म्स, देखो लाइक टर्म्स क्या हो जाएंगी
फर्स्ट एक्स वाई जेड स्क्वायर एंड माइनस फोर एक्स वाई जेड स्क्वायर आंसर रिटर्न. ठीक है, यू गॉट इट. इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं. चलिए अब हम आप ये नोट करने जोड़ना, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले पता क्या करना है, हालांकि बताया हुआ है लेकिन थोड़े से आप भूल चुके हो, तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि क्या है क्या नहीं. तो लीजिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट है और ये पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं. पहले तो हम ये देखते हैं आइडेंटिफाई द मोनोमियल्स बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स. हमें ये देखना है कि बताना है एक्चुअली है ना, ये बताना है कि ये मोनोमियल है बाइनोमियल है या फिर ट्राइनोमियल है. अब व्हाट इज मोनोमियल व्हाट इज बाइनोमियल व्हाट इज ट्राइनोमियल. ठीक है, तो मोनोमियल बेटा क्या होता है, मोनोमियल होते हैं कि जो भी जिसमें एक टर्म होती है सिंगल टर्म वाले को मोनोमियल कहते हैं, जहां दो टर्म्स होती है उनको बाइनोमियल कहते हैं, जहां तीन टर्म्स होती है मिनिमम की बात चल रही है, जहां मिनिमम एक टर्म हो ठीक है वो होता है हमारा मोनोमियल, जहां दो टर्म्स होती है वो हमारा होता है बाइनोमियल, और जहां पे मिनिमम तीन टर्म्स हो उसको हम क्या कहते हैं ट्राइनोमियल कहते हैं. तो चलिए देखिए हमारे पास ए पार्ट क्या है इसका. एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई लास्ट में है प्लस एक्स. अब आप देखिए इसके अंदर कितनी टर्म्स है बेटा, ध्यान से देखिए कितनी टर्म्स है. सबसे पहले जो प्लस और माइनस साइन होते हैं वो हमें वो ही हमें बताते हैं कि कितनी टर्म्स है कितनी टर्म्स नहीं. ये देखिए यहां प्लस ये अपने आप में अलग है, यहां प्लस ये अपने आप में अलग है, और ये प्लस ये अपने आप में अलग है. तो वन टू थ्री देर आर थ्री टर्म्स, देयरफॉर ये क्या होगा ट्राइनोमियल होगा. सिंस देर आर थ्री टर्म्स है देयरफॉर दिस इज ट्राइनोमियल. क्या होगा ये ट्राइनोमियल. ओके बी पार्ट सिक्स एक्स पर वाई, तो एक ही टर्म है प्लस माइनस हमें दिख रहा है, तो एक ही टर्म है सिंगल टर्म वाले को हम क्या कहते हैं मोनोमियल कहते हैं. ओके मूविंग टू द सी पार्ट ए स्क्वायर बी सी क्यूब प्लस जेड क्यूब. तो कितनी टर्म्स है बेटा देखना, प्लस है बीच में तो वन इधर, तो टोटल कितनी है टू टर्म्स है, तो टू टर्म्स वाले को क्या कहते हैं बाइनोमियल. ओके बी पार्ट में क्या पूछ रहे थे सिक्स एक्स फोर फाइव वाई कितनी टर्म्स है वन टू थ्री देर आर थ्री टर्म्स देर आर थ्री टर्म्स और थ्री टर्म्स वाले को क्या कहते हैं ट्राइनोमियल कहते हैं. सो दिस इज अ ट्राइनोमियल. यू गॉट इट. ठीक है, इस तरीके से इसे करना. ओके तो आपने ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए. ठीक है बेटा, अब लास्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूं और ये आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए. तब तक के लिए बेटा बनाए जी.